भारतीय युवक कांग्रेस का 60वां स्थापना दिवस मनाया। युवक कांग्रेस के जिला महासचिव शिवम त्यागी ने सोशल मीडिया पर अभियान के माध्यम से रोजगार की मांग उठाई। भारतीय युवक कांग्रेस के मुरैना जिला महासचिव शिवम त्यागी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में भारत में बढ़ती बेरोजगारी से भारतीय युवक कांग्रेस बहुत आक्रोशित है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ शिवम त्यागी, भारतीय युवा कांग्रेस जिला महासचिव मुरैना मध्य प्रदेश। और आज हमारे भारतीय युवा कांग्रेस का 60वां स्थापना दिवस है, तो इस अवसर पर मैं अपने सभी पदाधिकारी एवं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। और इसी बीच में हमारे एक सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्र, जो कि रोजगार का है। तो इसके लिए एक लाइन, खाली कंधे हैं इन पर कुछ भार चाहिए। हमारे भारत का युवा कह रहा है, खाली कंधे हैं इन पर कुछ भार चाहिए, बेरोजगार हूं साहब मुझे रोजगार चाहिए, बेरोजगार हूं साहब मुझे रोजगार चाहिए, जेब में पैसा नहीं डिग्री लिए घूमता हूं, जेब में पैसा नहीं डिग्री लिए फिरता हूं, दिनों दिन अपने नजरों से ही मैं गिरता रहता हूं, कामयाबी के घर में खुले किवाड़ चाहिए, कामयाबी के घर में खुले किवाड़ चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब मुझे रोजगार चाहिए। ये हमारे भारत के युवा की आवाज है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब युवाओं से वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, परंतु पिछले 6 वर्षों से भारत में बढ़ती बेरोजगारी से भारत का युवा का हाल बेहाल है। पिछले 50 वर्षों में कभी भी भारतीय युवाओं को ऐसे काले दिन नहीं देखने पड़े। कोविड-19 के बुरे प्रबंधन और मोदी सरकार द्वारा अनियोजित लॉकडाउन ने इस महामारी समस्या को केवल बदतर ही किया है, जिससे इस दौरान 12 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरी चली गई। इस सब के बावजूद केंद्र सरकार विभिन्न विभागों में 10 लाख से अधिक रिक्त पदों पर रोक लगाई हुई है। कई राज्यों में शासन ने निर्देश जारी कर कहा है कि आने वाले 1 से 2 वर्ष तक सरकार कोई सरकारी नौकरी नहीं देगी। भारत में आज 30 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार लोग हैं, और अफसोस की बात यह है कि केंद्र सरकार इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, यहाँ तक के मानने को भी तैयार नहीं है कि बेरोजगारी देश के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है। केंद्र सरकार मानने को ये नहीं है कि बेरोजगारी देश के सामने एक समस्या है। युवा लोगों में आत्महत्या की बढ़ती संख्या एक खतरनाक संकेत है, जिसके कारण बेरोजगारी भारत में हर राज्य में लाखों शिक्षित और कुशल युवा हैं, जो कि योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसरों की मांग कर रहे हैं। क्या एक लोकतांत्रिक सरकार से इतनी आस रखना गलत है? युवाओं में ड्रग्स, अपराध, नफरत गर्दी के बढ़ते मामलों को बेरोजगारी की समस्या से अलग नहीं किया जा सकता। अब बस बहुत हुआ सरकार, रोजगार दो, आज दो और अभी दो। हमारी युवा कांग्रेस कार्यकारिणी सभी पदाधिकारी एक ही मांग करेंगे युवाओं के लिए, रोजगार दो, आज दो, अभी दो। हमारे भारतीय युवा एक ही बात कहते हैं, अभी दो और आज दो। दुनिया बदल देंगे भरोसा करो इन लड़कों पर, नौकरिया की प्रक्रिया में सुधार करो सरकार, बेरोजगार हूँ सरकार मुझे रोजगार चाहिए। आज भी दुनिया में बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी के लिए हमारी युवा भारतीय युवा कांग्रेस आज से यही प्रण करती है कि सरकार को एक ही जवाब देना पड़ेगा, रोजगार अभी तक क्यों नहीं दिया। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।
लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए खबरगति न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक। You can also follow us on Twitter and you can also follow us on Instagram.